हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में नेल ट्रीटमेंट मैनीक्योर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमको हेडिंग डालना है नेल ट्रीटमेंट। नेल केराटिन से बने होते हैं। नेल्स आगे और ऊपर की ओर अधिक बढ़ते हैं। गर्मियों में ये तीव्र गति से बढ़ते हैं। ये बालों की तरह निश्चित अवधि के बाद स्वयं झड़ जाते हैं। नेल्स की देखभाल आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। अब अलग अलग प्रकार से मैनीक्योर और पेडिक्योर किए जाते हैं। अब आपको हेडिंग डालना है यहाँ पे मैनीक्योर। मैनीक्योर लैटिन शब्द है, जिसमें मैनी का अर्थ हाथ और क्योर का अर्थ है देखभाल करना। मैनीक्योर के अंतर्गत किए जाने वाले मसाज से हाथ की कलाई लचीली और मुलायम रहती है और हाथ की स्किन में रिंकल होने से भी यह मैनीक्योर बचाता है। मैनीक्योर आरामदायक होने के कारण इससे चिंता और तनाव भी दूर होता है। मैनीक्योर में प्रयोग होने वाले सामान, नंबर एक है नेल कटर, नेल फाइलर, शैम्पू, हैंड एंड बॉडी लोशन, हाइड्रोजन परॉक्साइड, एसीटोन, नेल पॉलिश, मैनीक्योर ब्रश, डेड स्किन कटर, पुसर, पॉइंटर, साइड स्किन कटर, स्पॉन्ज, बफर, कॉटन तौलिया, क्यूटिकल क्रीम, एप्रिकॉट फेशियल स्क्रब, एस्ट्रीजेंट लोशन, कटोरियाँ यानी बाउल, पेडी कटर, सॉफ्ट एंड हार्ड स्क्रब, मैनीक्योर मास्क, फ्लिंग पेपर। तो इतना सामान आपको मैनीक्योर के लिए लगेगा। पहले आप इतने का सामान को एक साथ इकट्ठा कर ले, ट्रॉली बना ले। अब शैम्पू है। शैम्पू हाथ को साफ करता है, गंदगी निकालने में मदद करता है। हैंड एंड बॉडी लोशन हाथों को रिलैक्स करता है और आई मॉइस्चर देता है। हाइड्रोजन परॉक्साइड गंदगी को फुलाता है एवं निकालता है। इसके 20 वॉल्यूम और 6% होते हैं। जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता जाता है, आपका परसेंटेज बढ़ता जाता है। यानी 20 वॉल्यूम में 6% यानी 6% का आपका हाइड्रोजन होगा, जो ये केमिकल होता है। तो इसका मतलब यही लिखा है। अब यहाँ पे एसीटोन है, नेल पॉलिश रिमूव करता है, जैसे थिनर या नेल पॉलिश रिमूवर। आप इसको एसीटोन भी कह सकते हैं, थिनर या नेल पॉलिश रिमूवर भी कह सकते हैं। अब नेल पॉलिश नेल पेंट करने के काम आता है। नेल कटर लंबे नाखून काटने के लिए। अब यहाँ पे देखिए फाइलर है, नाखून का शेप देने के लिए नाखून फाइल किया जाता है। मैनीक्योर ब्रश हाथों की ऊपर की गंदगी को निकालने में आसानी होती है। इस ब्रश से यह हाथों की ऊपर की गंदगी को निकालता है। डेड स्किन कटर नाखून के साइड में डेड स्किन निकालने में काम आता है। पुसर क्यूटिकल को पीछे ढकेलने और नाखूनों के ऊपर की गंदगी को पुसर की सहायता से निकालने के काम आता है। अब है पॉइंटर, पुसर करने के बाद जो गंदगी साइड में चली जाती है उसके लिए पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। साइड स्किन कटर जो नेल साइड में एक्स्ट्रा स्किन होती है उसे निकालने में इस्तेमाल किया जाता है। स्पॉन्ज पोछने के काम आता है। बफर जिसे नेल पेंट अच्छी ना लगे उसे बफर से साइन दे सकते हैं। कॉटन तौलिया, क्यूटिकल क्रीम नाखूनों को साफ्ट करने के लिए, एप्रिकॉट फेशियल स्क्रब हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी होने से डेड स्किन आ जाती है। डेड सेल्स को निकालने के लिए स्क्रब का इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाता है। एस्ट्रीजेंट लोशन कोई भी सामान जैसे फाइल, साइड कटर, कोई भी टूल्स को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक लोशन जैसे डेटॉल, सेवलॉन कोई भी हाथों के जर्म को हटाने के लिए। अब यहाँ पे है कटोरियाँ मतलब बाउल, जो सामान इस्तेमाल करते हैं उन्हें रखने के लिए कटोरियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब हमने जो सामान लगता है हमारे मैनीक्योर करते समय उनका डिटेल हमने लिखा है कि इस सामान को किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे है सॉफ्ट एंड हार्ड स्क्रबर, ये दोनों चीज़ आपको पैर का जब आप पेडीक्योर करेंगे उसमें लगेगा, ये इसमें नहीं लगने वाला है। बाकी जो सामान आपका हाथ में लगता है वही पैर में भी लगता है। तो हमने यहाँ पे उसका भी डिटेल लिख दिया है, आप चाहते देखिए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे है मैनीक्योर प्रक्रिया यानी मैनीक्योर प्रोसेस। सबसे पहले देखिए हाथों को स्टेरिलाइजेशन करना है और एस्ट्रीजेंट कॉटन में लेकर सभी टूल्स को पोछना है यानी पोछे, यह सब पहले करना है। फिर सबसे पहले नेल पेंट निकालेंगे और फाइलर से शेप देंगे। शेप 3 आकार में देंगे, यू, वी या स्क्वायर में। आप जैसा आपको पसंद हो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने नेल का शेप दे सकते हैं।
फिर नाखूनों पर क्यूटिकल क्रीम लगाएंगे। यदि नाखून गंदे हो तो यह इसलिए लगाते हैं कि हाथों की गंदगी साफ हो जाए। क्यूटिकल क्रीम अच्छी तरह नाखूनों पर लगाना है, फिर हाथों को 10 मिनट गर्म पानी में डालना है। पानी में हाइड्रोजन परॉक्साइड, शैम्पू, नींबू और डिटॉल डालना है। फिर मैनीक्योर ब्रश से हाथों पर गोल गोल घुमाना है, रगड़ना नहीं है। ब्रश कोहनी पर भी चलाएं। अब पानी बदलकर ठंडे पानी से हाथ धोएं। टावेल से पोंछकर फिर से क्यूटिकल क्रीम लगाकर कॉटन को उंगली के नीचे रखकर पुसर से चमड़ी को पीछे की ओर पुश करना है। अब पॉइंटर से नाखूनों के चारों ओर घुमाकर गंदगी निकालना है। साइड स्किन कटर से फालतू चमड़ी काटना है। अब इस स्क्रब से 2 मिनट मसाज करें, फिर धो दें। फिर बॉडी एंड हैंड लोशन को कोहनी तक लगाएं और 20 मिनट मसाज दें। अब कार्टन से नाखूनों के ऊपर की क्रीम को हटा दें, फिर बफर करें या नेल पेंट लगा दें। इतना प्रोसेस आपको मेनिक्योर करते समय करना है। इसके बाद अब जब आप मसाज करेंगे तो ये मसाज का स्टेप है जो कि आपको लिखना बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है। आप पीछे का अपने अकॉर्डिंग नोट कर सकते हैं, लेकिन ये मसाज का स्टेप आप बिल्कुल भी मैं भूलिएगा। तो मसाज के स्टेप में सबसे पहला स्टेप क्या है? जनरल स्ट्रोक। जनरल स्ट्रोक में दोनों हाथों से ऊपर की ओर मसाज करना। ये जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं फ्रेंड्स, आप पहले थ्योरी पे ध्यान दीजिए, फिर आप जो इसमें लिखा है इसका मतलब आप प्रैक्टिकली करते समय अच्छे से समझ लेंगे। तो अब दूसरा है दोनों फिंगर से क्लाक वाइज व एंटी क्लाक वाइज मसाज करना। तीसरा है पिंचिंग करना। चौथे नंबर पे हथेली के बीच फिंगर और थंब से मसाज करना। रबिंग करना, फिंगर्स को धीरे धीरे क्रम से खींचना। मुट्ठी बांधकर पाम से मसाज करना। कंपन मसाज करना, टैपिंग मसाज करना। दोनों हाथों को चूड़ी की तरह गोलाकार मसाज करना। सभी नेल्स पर क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। लिफ्टिंग करना, क्रिस क्रॉस करना एंड देन लास्ट में बटरफ्लाई दे देना है। इतना आपको स्टेप चलाना है जब आप मेनिक्योर कर रहे हो। तो आपका यहाँ पे आज मेनिक्योर का चैप्टर भी पूरा हो गया है। आगे का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो पेडीक्योर का रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको अच्छी तरह से आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकली दोनों समझ में आ जाएगा। थैंक यू।